दोस्तों, इन्हें बेबो कहा जाए या मिस खान या कहें सबकी फेवरेट तो कुछ गलत नहीं होगा। जी, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरहिट हीरोइन करीना कपूर की, जिन्होंने बिंदास अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई। भले ही इनका शुरुआती करियर लाइमलाइट की सीढ़ी पर नहीं चढ़ा, पर आज के दौर में ये अपनी एक्टिंग से अच्छे अच्छों को घाट का पानी पिला देती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, इनकी बेटी के बारे में जानते हो, कौन है, क्या करती, कैसी दिखती हैं। अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर खानदान की लाडली बेटी करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वेलहम गर्ल्स स्कूल से की, बाद में मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन की। अगर बात करें अभिनय करियर की तो छोटी सी उम्र में ही इन्हें अभिनय में रुचि जग गई, इसलिए इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और एक्टिंग में डिप्लोमा किया। अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया और इसी फिल्म से इनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई। इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया, लोगों ने इनके अभिनय को खूब सराहा, इसलिए इस फिल्म में इनके शानदार अभिनय को देखकर कई निर्माता प्रभावित हुए और इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का मौका मिले, जिनमें ऐतराज, अशोका, कभी खुशी कभी गम, अजनबी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। वर्तमान में ये अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशन में बिजी है, जो 27 दिसंबर 2019 को रिलीज होगी। लेकिन बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री की बेटी की, तो इनकी बेटी भी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है, जिनका नाम सारा अली खान है। दोस्तों, आपको बता दें, सारा इनकी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि इनके पति सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है, जिनसे इन्होंने साल 1991 में शादी की थी। शादी के 4 साल बाद 12 अगस्त 1995 को सारा का जन्म हुआ। वर्तमान में सारा 24 साल की है और 2018 में आई फिल्म केदारनाथ में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर किरदार निभाकर बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं और फिल्म सिम्बा में भी सारा मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आई। इन दोनों ही फिल्मों में इनके अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा और ये दर्शकों की फेवरेट बन गई। वर्तमान में अपनी आने वाली फिल्म कूली नंबर 1 की शूटिंग में बिजी है, जिसमें वरुण धवन के साथ ये नजर आएंगी। ये फिल्म 1 मई 2020 को रिलीज होगी। लेकिन अगर बात करें करीना कपूर और इनके रिश्ते की, तो आपको बता दें करीना और सारा काफी अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी सौतेला जैसा व्यवहार नहीं करते, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह तालमेल बिठाकर ही चलते हैं। इसका सबूत ये तस्वीरें हैं जिन्हें करीना सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है, जिनमें सारा और इब्राहिम के साथ तरह तरह के पोज देती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सारा और करीना को एक साथ फिल्मों में काम करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में दीजिए और बॉलीवुड से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।